हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्डअप लर्निंग। आज का वीडियो लाया हूँ क्लास 12th चैप्टर 5 मैट्रिक्स, जो एक नया चैप्टर है। तो ये स्पेशली बोर्ड के लिए है, क्योंकि ये बोर्ड बेस्ड लोगों के लिए ये चैप्टर मैं लाया हूँ। और इसमें सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। तो करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो सो हेडिंग डालते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैट्रिक्स होते हैं ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम इंटू एन नंबर्स, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें एम इंटू एन नंबर्स इन द फॉर्म, जो एक फॉर्म में रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड रॉ। जो एम होते हैं सो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं, उसे रॉ कहा जाता है। एंड एन वर्टिकल लाइन कॉलम। एंड और ये जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, इनक्लोज विद इन बिग ब्रैकेट। ये सब बिग ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन हो गया, जैसे ये स्ट्रेट लाइन जिस टाइप का, वो एम होते हैं जिसे रॉ कहा जाता है, और एन होते हैं वर्टिकल लाइन जिसे कॉलम कहते हैं, और ये इंक्लोज होते हैं एक बिग ब्रैकेट में जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स डिनोट क्या चीज से किया जाता है, तो ए मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, मतलब मैट्रिक्स है तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट ए बी ए टू जेड में, ए से लेकर जेड तक में कोई भी कैपिटल लेटर में ये डिनोटेड किया जाता है। अब मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी लिख देते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेज, इसका प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेज। अब तो मैट्रिक्स के बारे में जान लिए हुए हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ये इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेज होता है। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, और कैसा नंबर उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो द नंबर्स द नंबर्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट। जो भी नंबर जो प्रेजेंट किए जाते हैं मैट्रिक्स में, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्स कहते हैं उसको। और इसके जो एलिमेंट होते हैं और ये जो मेंबर जो होते हैं उसको, या फिर उसको मेंबर्स भी कह सकते हैं, या तो उसको इंटायर्स भी कह सकते हैं, इंटायर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इतना चीज हम लोग कह सकते हैं इसको। और ये जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर में जो प्रेजेंट रहते हैं, नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं इन मैट्रिक्स, जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, वो हमेशा डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। The elements of a matrix are generally denoted by small letter. मतलब जो भी एलिमेंट जो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, सो स्मॉल लेटर्स में पाए जाते हैं।
वो मैट्रिक्स है तो कैपिटल लेटर में डिनोटेट किया जाता है, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, जो नंबर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर प्रेजेंट रहते हैं या फिर कोई भी डिनोटेड नंबर प्रेजेंट होंगे, तो नंबर नंबर तो नहीं, वो अल्फाबेटिकल में जैसे अगर डिनोट करेंगे इसके एलिमेंट को अंदर में, तो वो स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब किस ऑर्डर में लिखा जाता है मैट्रिक्स को, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिफाइंड एबव, जो मैंने ऊपर में डिफाइन किया है, इज एम क्रॉस एन, और इसे रेड किया है, रीड एज किया जाता है एम बाई एन, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं, जैसे यहाँ एम इंटू एन का प्रोडक्ट है तो ये हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पर लेकिन ये एम क्रॉस एन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एम बाई एन, ये ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स का जो ये ब्रैकेट अगर हम लोग बनाते हैं तो किस ऑर्डर से लेकर के हम लोग इसको फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, इसके एलिमेंट को लिखते हैं, वो एम क्रॉस एन है, जिसे हम लोग एम बाई एन पढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे, एम क्रॉस एन हो गया, उसके बाद हम लोग जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ये बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो जनरल टर्म इसका देखते हैं हम लोग, तो जनरल टर्म में होता है द एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो ऑकर्स इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम, जेथ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स डेट इज आई जेथ एलिमेंट डिनोटेड बाय, ये डिनोट क्या जिससे किया जाता है, ए आई जे। तो देखिए ए जो मैंने लिखा है ये इसका एलिमेंट है, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ए जे ए आई जे, ये जो है सो ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसका जो एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे ए वन वन हो सकता है, ए टू वन हो सकता है, ए थ्री वन हो सकता है, मतलब ये एलिमेंट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ तक तो बात समझ में आएगी, जनरल मैट्रिक्स क्या होते हैं और ये किस टर्म में लिखे जाते हैं, एलिमेंट कैसे ऑकर करता है। तो आईथ रो और जे टर्म में, तो आईथ रो हो जाएगा ये एम हो जाएगा, एम यहाँ रो में होता है और एन वर्टिकल लाइन में, तो जे हो जाएगा वर्टिकल लाइन। सिंपली अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल फॉर्म, एलिमेंट तो देख लिया, अब इसका जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होते हैं इसके, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जनरल फॉर्म जैसे कैसे लिखे जाते हैं मैट्रिक्स को, तो मान लेते हैं लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मैंने पढ़ाया है पीछे एम क्रॉस एन होता है, कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज ए इक्वल टू ए आई जे, और यही एम क्रॉस एन होता है, किस ऑर्डर में मैं मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। और ये ए मैंने कहा था स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, कैपिटल लेटर से ये मैट्रिक्स हो गया, ये एलिमेंट हो गया इसका, और ये ऑर्डर हो गया। तो सिंपली यहाँ वेयर एम का वैल्यू कहाँ तक होता है सो मैं बता देता हूँ, वेयर एम इक्वल टू 1, 2, 3, 2 m तक, जो आई का वैल्यू भी होता है, और जे का वैल्यू जो एन होता है, ये होता है 1, 2, 3, 2 n तक। तो डेट इज, मतलब इसे कैसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो मान लीजिए ये मैंने लिया ब्रैकेट, तो ए आई होता है 1, तो 1 1, फिर ए आई है तो सेम चलेगा 1, एम इंटू एन होता है तो 1 लेंगे एम का, तो एन का हो जाएगा 2,
फिर आई लेंगे थ्री, फिर आई लेंगे वन, तो वो हो जाएगा थ्री, वन टू वन थ्री, और ये जाते रहेगा बहुत वन एन तक जाएगा। तो ये हमारा हो गया रॉ। फिर लेंगे ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और ये ए टू एन तक जाएगा। फिर ऐसे ही बहुत सारे आएंगे। फिर लास्ट में आएंगे ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री, ये जाएंगे ए एम तक। एम क्रॉस एन यहाँ आ चुका, एम प्रोडक्ट एन आ चुका हुआ है, और सिंपली यहाँ हम लोग लिख देंगे इसको एम इंटू एन। एम इंटू टर्म में ऐसे हम लोग अभी इसी पे टाइप से फाइव से लेकर के नाइन तक का क्वेश्चन इसी पे बनेगा। इसको लिखना आना चाहिए, वैसे लिख करके आप बना सकते हैं। तो एच डब्ल्यू आपका हो गया एक्सरसाइज 5A। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो आप बना सकते हैं। तो सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।